हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं सेवई उपमा, जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और उसको हम झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है हमने, तो कढ़ाई को गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई में हमने एक बड़ा चम्मच घी ले लिया है, देसी घी, तो जिसमें हम सेवई को फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 कप सिवई ले ली है। आप कोई भी ले सकते हैं, सूजी वाली या फिर मैदा वाली, जो भी आपके पास है। तो सिवई को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तब तक के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड, ये घी में जब हम इसको फ्राई करते हैं ना इस तरीके से, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास पहले से ही रोस्टेड सिवई है, तो आप उसको फ्राई ना करें, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं रेसिपी में। तो ये देखिए, ये फ्राई होने लगी है सिमई। तो फ्रेंड, इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करना है। गैस को हमें लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है, उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कि ये जले ना। तो ये देखिए फ्रेंड, सिमई यहाँ पर फ्राई हो गई है और कितना अच्छा इस पर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो सिमई को हमने निकाल लिया है। तो फ्रेंड, हम इसको सोयाबीन की बरी के साथ बनाने वाले हैं। सोयाबीन की बरी को हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, और उसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से धोकर हमने निचोड़ लिया है। यहाँ पर हम उसको फ्राई कर लेंगे सोयाबरी को। तो सेम कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा कप सोयाबरी ले ली है, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बरी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इनको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। अच्छा गोल्डन कलर आ गया है बरी पर। तो फ्रेंड, आप अगर यहाँ पर चाहें तो इसको इसमें आलू का यूज़ भी कर सकते हैं, या जैसे भी आप बनाना चाहें, वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सोयाबरी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सेम कढ़ाई में ही हमने ऑयल ले लिया है। तो ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। तो हमने आधा चम्मच जीरा ले लिया है, और 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, 1 प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई है, और इसी के साथ हमने यहाँ पर ग्रीन वाली शिमला मिर्च ले ली है, और इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ में कट किया है, ना ही ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ में हमने इसको कट किया है। और इसको भी हम प्याज को हल्का फ्राई करने के बाद शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ देखिए, हमने यहाँ पर एक टमाटर ले लिया है, और टमाटर को भी हमने कट कर लिया था इस तरीके से, तो इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो देखिए, हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया है, और इसी के साथ इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच से कम हल्दी ली है, और आधा चम्मच से कम ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और नमक स्वाद अनुसार। तो मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर कर फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। गैस को हमने एकदम लो कर दिया जिससे कि मसाले जले ना। तो फ्रेंड, इसको आप नाश्ते में बना सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए, हमने यहाँ पर जो सोयाबरी को फ्राई किया था, सोयाबरी भी डाल देंगे, और इसको भी हम सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए, और इसमें बॉईल आ गया है अच्छे से। तो इसी के साथ देखिए, हम यहाँ तो मैगी मसाला डाल देंगे इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड, आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं, या फिर सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। तो अब हम इसमें सेवई डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हमने 1 कप ही पानी लिया था यहाँ पर, 1 कप सेवई में। तो ये सूजी वाली सेवई है, अगर आप मैदा वाली यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि वो जल्दी गल जाती हैं, और जो सूजी वाली होती हैं ये पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, तो इसलिए हमने इसमें 1 कप पानी का यूज़ किया है, 1 कप सेवई में। तो फ्रेंड, आप इसको बच्चों के टिफ़िन में ही बनाकर दे सकते हैं, या जब भी आपको चटपटा कुछ अच्छा खाने का मन करे, तब आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 5 मिनट के बाद इसको हमने चेक कर लिया है, और ये अच्छे तरीके से पक गई हैं।
तो अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। फ्रेंड इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इस तरीके से एक बार बनाकर ट्राई कीजिए और ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिवई को पहले से ही पका कर ले सकते हैं, जैसे कि बॉईल कर कर, लेकिन हमने इसको साथ में ही पकाया है। तो देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है और ये कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में। फ्रेंड टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है, आप इस तरीके से एक बार बनाइए और खाइए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।